एयूएस वर्सेस एसएल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का 19वां मैच। और गाइस, इस वाले वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे क्या ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 होने वाली है, क्योंकि अपना लास्ट मैच गाइस वो हार के आ रही है, तो ये वाला मैच अब उसको किसी भी कंडीशन में जीतना होगा। वही गई श्रीलंका की बात करूं तो काफी इस वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि एशिया कप में भी लग रहा था कि ये टीम एशिया कप तो क्या जीतेगी, बट एशिया कप जीत कर आई। तो कहीं ना कहीं गई श्रीलंका भी एक स्ट्रांग टीम है, और उसकी क्या प्लेइंग 11, क्या चेंजेस दोनों टीमों की तरफ से होंगे, अपन इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में अपन बात करेंगे वो तीन की प्लेयर्स जो आपको इस वाले मैच में ग्रैंड लीग जिताने वाले हैं, वो तीन प्लेयर कौन से हैं वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, और साथ में फाइनल टीम दिखाऊंगा। क्योंकि गाइज अभी तक का जो वर्ल्ड कप गया है ना अपना, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का मैच में तो गाइज आप लोगों ने वन साइडेड विनिंग की होगी, और जिसने नहीं करी ना वो एक काम नहीं कर रहे। गाइज आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखो, क्योंकि टॉस के बाद का जो मैं फाइनल अपडेट है ना वो वहीं पर ही देता हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा, SES ऑफिशियल के नाम से। क्या नाम है? SES ऑफिशियल। लिंक से आप ज्वाइन हो जाओ, अच्छी बात है, नहीं हो तो सर्च कर लेना @SES टेलीग्राम पे जाके आप इजीली ज्वाइन हो जाओ। साथ में गाइस इस वाले वीडियो में आप लोगों के लिए फ्री गिव अवे रहेगा, और गिव अवे का रूल बिल्कुल सिंपल है, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, उसी के बीच में एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है, अगर आपका आंसर सही है प्राइज मिल जाएगा। तो गाइज आप सभी भाइयों का मैं श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आप लोगों से गाइज एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो गाइज सभी बनाते हैं, बट क्वालिटी के साथ अगर आपको एक्सपर्टाइज कंटेंट चाहिए तो इस चैनल का हिस्सा बन जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस करके। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, एयूएस वर्सेस एसएल का गाइस ये वाला जो मैच खेला जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे टफेस्ट ग्राउंड पर्थ स्टेडियम पर्थ में खेला जाएगा, और यहां पे गाइस फास्ट बॉलर्स को इतनी ज्यादा मदद मिलती है, इतना ज्यादा बाउंस है कि खेलना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं गाइस ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रैक है, और यहां पे है ना अच्छा बाउंस मिलता है, बट अगर यहाँ पे कोई बैट्समैन ढंग से टिक गया ना तो वो अच्छे शॉट पे खेल सकता है, क्योंकि बॉल है ना गाइस नीचे दबेगी नहीं, बहुत ऊपर आएगी, तो पुल शॉट बहुत अच्छे लगेंगे, चौके छक्के आपको देखने को मिल सकते हैं। टी20 स्टैट्स की बात करूं गाइस इस वाले ग्राउंड पर टोटल तीन मैच खेलेंगे, बैटिंग फर्स्ट करने वाली ने एक, सेकेंड ने दो, और एवरेज स्कोर आपके सामने 140 से 142, तो इतना आसान नहीं है गाइस यहाँ पे रन बनाना, तो फास्ट बॉलर्स के मजे होने वाले हैं, और बैट्समैन भी अगर अच्छा टिक्के खेलेगा तो रन बना सकता है। दोनों टीमों के बीच गाइस 25 मैच खेले गए, ऑस्ट्रेलिया ने 15, श्रीलंका ने 10 मैच वॉन किए, और स्कोरिंग पैटर्न की बात करूं तो 150 से कम का स्कोर दो बार, 150 से 170 जीरो, 170 से 190 जीरो, और 190 से ज्यादा गाइस केवल एक बार ही यहां पे बना है, तो बड़ा मुश्किल है रन बनाना, बट अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ा स्कोर, क्योंकि देखिए होम ग्राउंड पे मैच खेलेगी और काफी इंपॉर्टेंट मैच भी है, तो ऑस्ट्रेलिया पूरी जान लगाने वाली है, तो इंपॉर्टेंट रखना ऑस्ट्रेलिया को इस वाले मैच में। अब गाइस जो मैं अपनी फाइनल टीम देता हूं ना आफ्टर टॉस, या जो मैच मैं यूट्यूब पे कवर नहीं करता वो सारे मैच, या अपनी विनिंग्स वगैरह मैं सब है ना अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो अगर आप मेरा वीडियो देखते हो, अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, फ्री में टीम लेना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में गाइस टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप बस क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। और कई लोगों को दिक्कत आती है कि भाई लिंक ही वर्क नहीं कर रहा, हम ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे, तो टेलीग्राम को ओपन करना, उसके सर्च बार में जाके क्या सर्च करना है, @SES तीन वर्ड है सिंपल से, और आगे ऑफिशियल ओल्ड लगा देना, SES ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा हुआ है, बस आप सर्च करना, ज्वाइन हो जाना, पर जरूर से ज्वाइन कर लेना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यहां पे गाइस मैं वेन्यू स्टैट्स की बात करूं तो आपको खुद को पता लगेगा कि यहां पे फास्ट बॉलर्स को कैसी मदद है। 9 अक्टूबर 2022 को गाइस यहां पे मैच हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, यहां पे इंग्लैंड ने ये वाला मैच 8 रन से जीता था, 208 बनाए इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया 200 ही बना पाया, और आप देखिए इस वाले मैच में आप देखोगे फास्ट बॉलर्स को 13 विकेट्स मिले हैं, मतलब फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट फास्ट बॉलर को, सेकंड इनिंग में 7 विकेट फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को केवल एक ही विकेट मिला,
और फिर इसी के बाद देखिए गाइस, अभी 2022 में 22 अक्टूबर को मैच हुआ इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच। अफगानिस्तान 112 पे ऑल आउट हो गई थी और इंग्लैंड ने 113 बना दिए, और उस वाले मैच में भी आप देखिए फास्ट बॉलर्स को 12 विकेट्स मिले और स्पिनर्स को केवल 3। तो गाइस बहुत डेंजरस हो सकते हैं यहाँ पे फास्ट बॉलर्स, तो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, जरूर से आपको रख लेना है। गाइस देखिए माई इलेवन सर्किल ऐप को मेरे हिसाब से आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि देखिए मैं तो यहीं खेल रहा हूं और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी यहीं खेलोगे, क्योंकि इससे बढ़िया और इससे ट्रस्टेबल एप्लीकेशन मुझे तो कोई लगती नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में गाइस पहले नंबर का लिंक है माई इलेवन सर्किल का, आपको दिख जाएगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करोगे, 1500 रुपए का आपको फ्री बोनस मिल जाएगा। अब ये बोनस देखिए यहाँ पे बहुत इजीली यूटिलाइज होगा, क्योंकि बड़ी एप्लीकेशन है, इजीली आप यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे गाइज, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो, रैंक वन पे आते हो, तो हर एप्लीकेशन आपको देती है केवल विनिंग अमाउंट, बट ये आपको विनिंग अमाउंट के साथ देती है महिंद्रा थार एसयूवी कार जीतने का मौका। यहाँ पे 7-8 लाख लोग ही खेलते हैं, तो आप इजीली रैंक वन पे आ सकते हो। टफ तो होता है गाइज ग्रैंड लीग पे आना, बट यहाँ पे थोड़ी चांसेस ज्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पे गाइज जब आप फर्स्ट डिपॉजिट कराने जाओ ना, तो कोड डाल देना गाइज EXP2022, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ दिखेगा EXP2022, वो डालने से आपको क्या होगा 20% एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। तो गाइज आप कह सकते हैं फुली ट्रस्टेबल है, शानदार एप्लीकेशन है, खुद खेल के देखिए आपको खुद को पता लगेगा। डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे लिंक है, डाउनलोड कर लेना। इसकी टीम में आपको आज ये दिखाने वाला हूँ ग्रैंड लीग के डिफरेंशियल, और बट इस एप्लीकेशन पे गाइज थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड है, कृपया अपने रिस्क पर खेले, संभल के खेले, बट खेलना स्टार्ट कर दे। अब SL वर्सेस AUS की गाइस क्या प्लेइंग 11 इस वाले मैच में रहेगी, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 1 से 2 चेंज इस वाले मैच में करेगा और 2-3 की प्लेयर्स हैं, उनको तो खास तौर से रख लेना इस मैच। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखिए डेविड वार्नर फिंच ओपनिंग पे आएंगे, इसके बाद मिशेल मार्च, मैक्सवेल स्टोनियस, यहाँ पे टिम डेविड खेलते हुए देखेंगे, मैथ्यू वेट, पैट कमिंस, स्टार्क, जंपा हेजलवुड, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो नेगेटिव पॉइंट है ना, वो है पैट कमिंस। पैट कमिंस की गाइज अगर अभी रिसेंट फॉर्म पे जाऊं ना, तो उतनी अच्छी फॉर्म चल नहीं रही, मुझे लग रहा है टीम खिलाएगी, अगर नहीं खिलाती है तो केन रिचर्डसन बेंच पे बैठे हुए हैं, वो खेल सकते हैं। इंडिया के अगेंस्ट वार्म अप मैच पे बहुत अच्छी बॉलिंग भी करी थी, तो केन रिचर्डसन सरप्राइज कर सकते हैं आप लोगों को इस मैच में, अगर खेलेगा तो जरूर रखना, रिकॉर्ड में आपको बता दूंगा। इसके अलावा श्रीलंका की तरफ से देखिए इस वाले मैच में आपको काफी बदलाव मिलेंगे। देखिए इनका पी निशांका है ना, जो अभी थोड़ा सा रेस्ट दिया गया था या कह सकते हैं इंजर्ड है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर निशांका खेलता है ना, तो वो ओपनिंग पे आएगा, पी निशांका ओपनिंग पे आएगा कुशल मेंडिस के साथ, और उस केस में धनंजय डी सिल्वा नंबर 3 पे जाएंगे, और फिर चरित असलांका खेलते हुए दिखेंगे। अगर निशांका नहीं खेलता है, तो फिर उस केस में ये ही आपको प्लेइंग 11 दिखेगी, जिसमें डी सिल्वा, मेंडिस, असलांका और ए बंदारा आपको यहाँ पे खेलते हुए दिख जाएंगे इस वाले मैच के अंदर। तो गाइज आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लेइंग 11 में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे राजा पास का शंका, हसरंगा, करुणा रत्ने, तिशखाना, बी फर्नांडो और एल कुमारा, ये श्रीलंका की प्लेइंग 11 है इस वाले मैच में। बस चेंज होगा कि निशांका आएंगे तो ओपनिंग पे आ जाएंगे, अदरवाइज बंदारा खेलेंगे, और या फिर यहाँ पे डी सिल्वा ओपनिंग पे आते हुए दिखेंगे। अब देखिए गाइज ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 है, अब इसमें से बेस्ट प्लेयर अपन की प्लेयर्स पकड़ेंगे कि कौन से रहने वाले हैं, और क्या कप्तान वाइस कप्तान का सिलेक्शन रहेगा, और कौन से बॉलर कितने कितने ओवर्स कराने वाला है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी भी बहुत से भाइयों ने वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और भाई की मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक कर देना गाइज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। विकेट कीपर सेक्शन में गई सबसे पहले मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखूं, तो इनका प्लेयर आता है मैथ्यू वेड, और मैथ्यू वेड गई दो टीमों के अगेंस्ट बहुत अच्छा करता है, एक तो इंडिया के अगेंस्ट, दूसरा श्रीलंका के अगेंस्ट। आप देखिए श्रीलंका के अगेंस्ट 6 मैच में 113 रन बनाए 56 के एवरेज से, लास्ट 3 मैचों में 2-10-21। तो मैथ्यू वेड मेरे हिसाब से की पिक हो सकता है, बट ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि थोड़ा लोअर डाउन बैटिंग करने आएगा, ट्राई कर सकते हो, अच्छा कर सकता है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। कुशल मेंडिस देखिए डिफॉल्ट पिक है, बट ये प्लेयर है ना थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। आप देखिए 13 मैच में केवल 200 रन बनाए 17 के एवरेज, तो और बट रिसेंट फॉर्म पे अगर आप जाओगे कुशल मेंडिस की, तो यहां पे देखिएगा 68, 79, 18,
तो डेफिनेटली फॉर्म अच्छी है, अगर आप रिसेंट फॉर्म पे जाते हो तो बहुत अच्छी है, बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करेगा, और ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर्स है ना इस पिच पे बहुत डेंजरस रहेंगे, तो उस केस में कुशल मेंडिस आउट भी हो सकता है। अब कुशल मेंडिस को रखना है नहीं रखना गाइज, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहां पे देखिए सबसे पहला नाम आता है डेविड वार्नर का, ओपनिंग पे करेगा, पहले मैच में जल्दी आउट हो गया था बट ये प्लेयर कमबैक करना जानता है। और श्रीलंका के अगेंस्ट आप एवरेज देखोगे तो लगभग 58 का है, और जिस वेन्यू पर गए थे मैच है ना पर्थ पे, वहां पर ये और डेंजर हो जाता है। 3 मैच में 123 रन बनाए 61 के एवरेज से, लास्ट 2 मैच से रन बनाए नहीं है, मुझे लग रहा है काफी भूख है रन बनाने की और इस वाले मैच में बनाने वाला है, तो डेविड वार्नर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज के मैच के लिए, जरूर रख लेना। फिंच की मैं बात करूं, देखिए ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका के अगेंस्ट 28 का एवरेज है, इस वेन्यू पर 2 ही मैच खेले 64 रन बनाए और लास्ट 4 मैच में 13 76 0 13, तो वार्नर को डेफिनेटली रख लेना। फिंच भी गाइस मेरे हिसाब से काफी अच्छा कर सकता है। इसके अलावा यहां पे मिशेल मार्श की बात करूं, इस वेन्यू पर 1 ही मैच खेला है 36 रन, लास्ट 4 मैच में 16 35 0 45। और टिम डेविड की बात करें जिसका T20 में 38 का एवरेज है, बट रिसेंट फॉर्म देखोगे ना 11 5 #40, तो यहां पे मेरे हिसाब से ना ऑस्ट्रेलिया के 3 बैट्समैन आपको जरूर रखने चाहिए आज के मैच के लिए। एक तो फिंच को रख लेना, दूसरा वार्नर भी मेरे हिसाब से आज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और तीसरा मार्श, क्योंकि मार्च है ना 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी करा सकता है। और टिम डेविड को अगर आप रख रहे हो तो ग्राइंड लेग में रखना, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर जल्दी क्लैप्स हो जाता है, क्योंकि श्रीलंका की भी जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है ना वो काफी खतरनाक है, तो कहीं ना कहीं इनको जल्दी भी आउट कर सकती है, तो ग्रैंड लीग के लिए टिम डेविड बढ़िया हो सकता है, मिडिल ऑर्डर में आकर एक अच्छी रन बना सकता है। श्रीलंका की बैटिंग सेक्शन की बात करूं, उससे पहले गाइस अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ना तो गाइस प्लीज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे लिंक है, बहुत अच्छी विनिंग हो रही है। और अगर आपको लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा तो @SES ये लिख लेना टेलीग्राम पे जाके, @SES official, बस इतना सा सर्च कर लेना आप टेलीग्राम पे आ जाओगे, जरूर से ज्वाइन कर लेना। श्रीलंका की तरफ से देखिए राजा पास का मेरे हिसाब से इस मैच में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, नंबर 5 पे खेलेगा, मिडिल ऑर्डर में आकर एक अच्छी बैटिंग कर सकता है, तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके अलावा धनंजय डी सिल्वा जो कि ओपनिंग पे आएगा, बट अगर निशांक का ओपनिंग पे आता है तो डी सिल्वा नंबर 3 या 4 पे आएगा, बट ये प्लेयर बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, डेफिनेटली एक बढ़िया पिक है। और आप देखिए सामने वाली टीम के अगेंस्ट 2 ही मैच खेले 74 रन बनाए 31 रन 1 विकेट और 33 रन, तो डी सिल्वा और राजा पास का दोनों डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। असलांग का भी गाइज अब फॉर्म में आ चुका है, काफी टाइम से खामोश था, नंबर 3 पे खेलेगा, क्वालिफाइंग मैचेस में काफी अच्छी बैटिंग करी है, लास्ट 2 मैचों में 31 31, और आप देखिए 22 का एवरेज है। और अगर आज के मैच में अगर निशांक का खेल नहीं खेलता है तो ऐशान भंडारा का मौका मिलेगा जो कि लास्ट 3 मैच में 40 30 27 करके गया है, तो यहाँ पे श्रीलंका के कम 2 बैट्समैन तो आपको रखने ही पड़ेंगे, जिसमें मेरे हिसाब से डी सिल्वा को तो रख ही लेना जो कि बॉलिंग भी एडवांटेज देगा, दूसरा राजा पास्का को रख सकते हो, और अगर आपको तीसरा बैट्समैन भी रखना है तो गाइज वो मैं @SES official टेलीग्राम पे बता दूंगा टॉस के बाद, तो वो आप ज्वाइन करके रखना, वहां आपको अपडेट मिल जाएगा। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए मैक्सवेल है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी फॉर्म के साथ, तो लास्ट मैच में थोड़ी बैटिंग करी थी 28 रन बनाए, बट आप देखिए श्रीलंका के अगेंस्ट 12 मैच में 459 रन बनाए। हिस्टोनियस की बात करूं, इस वेन्यू पर 1 मैच 35 रन 1 विकेट, सामने वाली टीम के अगेंस्ट 8 मैच में 3 विकेट, लास्ट 2 मैचों से खोड़े रन बन नहीं रहे, काफी स्ट्रगल कर रहा है, तो फॉर्म तो अगर आप दोनों की देखोगे ना उतनी कुछ खास नहीं है, बट इस्टोनियस के साथ आपको एक एडवांटेज है कि ये बॉलिंग कराएगा लगभग 3 से 4 ओवर, तो वहां पे विकेट्स निकाल के दे सकता है, तो मैक्सवेल के कंपैरिजन में इस्टोनियस मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर पिक है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। मैक्सवेल को आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग का एक बढ़िया और पंट प्लेयर है। श्रीलंका के ऑलराउंडर्स को तो गाइस जरूर से रख लेना, जिसमें पहला नाम है वनुंदे हसरंगा, टीम का स्पिनर रहेगा, और अगर आप यहां पे इसकी फॉर्म की बात करोगे ना हसरंगा की, तो आप देखिए यहां पे फॉर्म काफी अच्छी फॉर्म है, और यहां पे आप देख सकते हैं लास्ट 3 मैचों में गाइस 8 विकेट ले जा चुका, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 8 मैच में 12 विकेट, और जिस तरीके का प्लेयर है ना गाइस ये विकेट निकालना जानता है, और मेरे हिसाब से एक बैटर है, चाहे इस पिच पे स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं है बट फिर भी आप रख लेना इसको।
शंकर मेरे हिसाब से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादा बॉलिंग करा नहीं रहा, ग्रैंड लीग में आप रख सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए बढ़िया नहीं है। करुणा रत्ने मेरे हिसाब से बेटर है, बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट केवल 8 मैच में 3 ही विकेट निकाले, तो इस चीज का थोड़ा सा देख लेना, वो थोड़ा सा यहाँ पे ये माइनस पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उतने विकेट निकाल के नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हसरंगा को आप रख लेना, सेकेंड ऑप्शन आपके लिए करुणा रत्ने। ऑस्ट्रेलिया की गाइस बॉलिंग सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के मैच के प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि जिस तरीके का पिच है ना, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बहुत डेंजर हो जाएंगे। हेजलवुड की बात करूं तो आप देखिए श्रीलंका के अगेंस्ट 7 मैच में 14 विकेट निकाले, लास्ट 2 मैचों में 2 और 1 विकेट। स्टार की बात करूं तो इस वेन्यू पर 1 ही मैच खेला है, 2 विकेट, सामने वाली टीम के अगेंस्ट 10 मैच में 14 विकेट, तो कहीं ना कहीं फॉर्म के साथ जूझ रहा है, बट इस वाले मैच में फॉर्म के साथ कमबैक कर सकता है, तो स्टार्क और हेजलवुड मेरे हिसाब से एक बेटर चॉइस है। इसके अलावा यहाँ पे हैडम जंपा की बात करूं, 12 मैच में 21 विकेट निकाले श्रीलंका के अगेंस्ट, और कमिंस की बात करें श्रीलंका के अगेंस्ट 9 मैच 12 विकेट, बट उस लेवल की फॉर्म में लग नहीं रहा गाइस कमिंस मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा रिस्की है। तो यहाँ पे हेजलवुड, स्टार्क, जंपा, ये 3 बैटर पिक है ऑस्ट्रेलिया की साइड से बॉलिंग सेक्शन में। कमिंस को आप रख सकते हो बट थोड़ा रिस्की है, ग्रैंड लीग में रख लेना, स्मॉल लीग में थोड़ा सा मैं खाऊंगा कि आप ड्रॉप कर सकते हैं। श्रीलंका की बॉलिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका के 3 बॉलर है, एक तो है तिशखाना जो कि टीम का स्पिनर है, लास्ट 3 मैचों में गए 6 विकेट ले जा चुका, फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ही जबरदस्त है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा बॉलर कितने ओवर्स कराने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आने वाली है। इसके अलावा गए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी फर्नांडो का नाम आता है, और बी फर्नांडो की गई बात करूं तो टीम का फास्ट बॉलर है, और अगर आप इसकी रिसेंट फॉर्म की बात करोगे तो 1 मैच खेला है, 2 विकेट निकाले सामने वाली टीम के अगेंस्ट, और लास्ट 2 मैचों में 1-1 विकेट। एल कुमारा की बात करूं, सामने वाली टीम के अगेंस्ट 4 मैच 5 विकेट, लास्ट 2 मैचों में 1-1 विकेट। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो इस पिच के बेस पे जाऊं तो फास्ट बॉलर्स मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, तो बी फर्नांडो मेरे हिसाब से अच्छे विकेट निकाल के दे सकता है। कुमारा का रोल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस वाले पिच पे, बट अभी लास्ट क्वालिफाइंग मैच में देखा गया था वहां पे, और अभी जो लेटेस्ट मैच हुआ था वहां पर भी कुमारा को ज्यादा बॉलिंग मिली नहीं, तो ये देखना होगा कि कितने ओवर कराता है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की गाइस अब देखिए कौन सा बॉलर कितने कितने ओवर कराएगा, जिसको आपको रखना चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस और एडम जंपा, ये मेरे हिसाब से पूरे पूरे 4 ओवर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर कमिंस की जगह बाई चांस रिचर्डसन खेलते हैं तो वो पूरे 4 ओवर कराएंगे, तो 16 ओवर तो लगभग यही ले गए। बाकी के जो 4 ओवर बचेंगे ना वो मैक्सवेल या स्टोनियस मिलके कराएंगे, जिसमें स्टोनियस को मुझे लग रहा है लगभग 3 ओवर मिल सकते हैं, मैक्सवेल को 1 या मिशेल मार्च को 1। और डेथ में आएंगे, देखिए गाइस डेथ में यहाँ पे स्टार कराने वाला है, हेजलवुड कराने वाला है, कमिंस कराने वाला है, तो कहीं ना कहीं स्टार, हेजलवुड और पैट कमिंस तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर लगता है मुझे इस वाले पिच के अकॉर्डिंग। श्रीलंका की तरफ से देखिए हसरंगा पूरे 4 ओवर कराएगा, इसके अलावा तिशखाना को भी पूरे 4-4 ओवर मिलने वाले हैं, बी फर्नांडो भी पूरे 4 कराएगा, इसके अलावा करुणा रत्ने को भी मुझे लग रहा है पूरे 4 ओवर मिलेंगे, तो 16 ओवर तो ये कराएंगे। बाकी के जो 4 ओवर बचेंगे वो कुमारा और धनंजय डी सिल्वा में बटने वाले हैं। अब बाई चांस कुमारा ने बाई चांस अच्छी बॉलिंग कराई तो उस केस में करुणा रत्ने को कम मिलेंगे और कुमारा को ज्यादा मिल सकते हैं, बट इस वाले पिच के अकॉर्डिंग हसरंगा मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, फर्नांडो एक बहुत बेटर पिक है, ये 2 बॉलर को तो आपको जरूर से रख लेना है अपनी टीम बनाते टाइम। बाकी गाइस मैं आपको है ना लास्ट टाइम पे जो टॉस के बाद का जो मुझे अपडेट मिलेगा ना वो टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो @SESOfficial ये सर्च करके आप टेलीग्राम पे आ जाना, या डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे लिंक है आप क्लिक करके आ जाना, पर जरूर से आ जाना क्योंकि कुछ चेंज मुझे करना होगा ना फाइनल बॉलिंग सेक्शन में, वो वहीं बताऊंगा, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ प्लेयर है जो बेंच पे बैठे हुए हैं जिसमें से मुझे लग रहा है इस वाले मैच में मौका मिल सकता है। एक तो केन रिचर्डसन को वार्म अप मैच में अच्छा गया था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 10 मैच 15 विकेट है, इस वेन्यू पर 2 मैच 4 विकेट है, तो कहीं ना कहीं डेंजर हो सकता है, ये खेल सकता है, और एस्टन आगर के चांस तो कम लग रहे हैं। श्रीलंका की तरफ से देखिए निशांका, ये कमबैक करेगा तो सीधे ओपनिंग पे आएगा, एक बढ़िया प्लेयर है, अच्छी बैटिंग कर सकता है, डेफिनेटली आप रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोद मधुसूदन को भी खिलाया जा सकता है गाइस, एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है प्रमोद मधुसूदन, अगर ये खेलता है तो मैं तो डेफिनेटली अपनी टीम में रखने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिता है, प्रवीण जैविकर्मा है, दोनों टीमों की गाइस प्लेयर बैटल बता देता हूँ जिससे आपको ये डिसाइड करने में इजी हो जाएगा कि कौन सा बड़ा प्लेयर आप आज के मैच में ड्रॉप कर सकते हैं।
अगर डेविड वार्नर की बात करूं तो कहीं ना कहीं तिशखाना के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, 40 बॉलों पे 2 बार आउट कर चुका है, बट तिशखाना है ना मिडिल ओवर्स में आएगा बॉलिंग कराने और वार्नर ओपनिंग पे आएगा, अगर ये उस टाइम तक खेल गया ना तो अच्छी इनिंग खेल सकता है, इसलिए वार्नर को ड्रॉप मत करना। फिंच की बात करूं, हसरंगा कहीं 4 बार आउट कर चुका है 27 बॉलों में, कुमारा 17 बॉलों के अंदर 2 बार, तो कहीं ना कहीं ऑरोन फिंच आज के मैच के लिए बहुत ही रिस्की चॉइस है, क्योंकि हसरंगा और कुमारा दोनों डेंजरस है फिंच के अगेंस्ट पे। इसके अलावा मैक्सवेल को भी हसरंगा 4 बार और तिशखाना 2 बार आउट कर चुका है। यहाँ पे आप देखिए कुशल मेंडिस को हेजलवुड ने 11 बॉलों के अंदर 2 बार आउट किया है, तो कुशल मेंडिस को अगर आप ड्रॉप करने की सोच रहे हो ग्राइंड लीग में तो जरूर कर सकते हो, बट अपनी टीम में हेजलवुड को रख लेना क्योंकि 11 बॉलों के अंदर 2 बार आउट है। इसलिए वाला असलंका को जंपा ने 2 बार आउट किया है, स्टार को जंपा ने, असलंका को और शंका को। यहाँ पे कप्तान और वाइस कप्तान की चॉइस आ गई गाइस, जीएल के पंट प्लेयर आएंगे, फाइनल टीम आएगी, उससे पहले इस वाले मैच का फ्री गिव अवे का क्वेश्चन आ गया जो आपके लिए पूरे वर्ल्ड कप में रहेगा, और जब वर्ल्ड कप खत्म होगा जिन भाइयों के सबसे ज्यादा आंसर सही होंगे ऐसे 10 लोगों को प्राइज मिलेगा, और उसका अनाउंसमेंट टेलीग्राम पे होगा। और टेलीग्राम पे आपको कैसे ज्वाइन होना है, @SESOfficial सर्च करके टेलीग्राम पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक से। क्वेश्चन क्या है गाइस, इस वाले मैच में श्रीलंका का कौन सा बैट्समैन है जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा बैट्समैन है जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है, मतलब वो बैट्समैनों के आंसर बताने हैं जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के साइड से। आंसर कमेंट सेक्शन में जाके देना, आंसर देते समय 2 चीजों का ध्यान रख देना, वीडियो पे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जीएल के कुछ पंट प्लेयर है गाइस आज के मैच के लिए, उसमें मिशेल मार्श है, मैक्सवेल है, शंका है और धनंजय डी सिल्वा है। दशुन शंका पे बहुत कम लोग नजर रखते हैं, बट ये प्लेयर है कभी भी अच्छा कर सकता है, तो शंका पे नजर रखना। मैक्सवेल भी काफी टाइम से खामोश अच्छा कर सकता है, मिशेल मार्श, हेजलवुड और डी सिल्वा। अब फाइनल टीम दिखा रहा हूं आज के मैच की, बहुत ध्यान से देख लेना आज के मैच की फाइनल टीम मेरी क्या रहने वाली है। यहां पे गाइस अगर मैं विकेट कीपर सेक्शन से बात करूंगा तो सबसे पहला नाम आता है गाइस यहां पे कुशल मेंडिस का, जो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा इस वाले मैच के लिए। यहाँ पे रखा है मैंने धनंजय डी सिल्वा, राजा पास्का को, 2 बैटर है। इसके अलावा यहाँ पे डेविड वार्नर, मिशेल मार्श, स्टोनियस मैक्सवेल, ये चारों प्लेयर्स को गाइस मैंने पता है क्यों रखा है, क्योंकि स्टोनियस मैक्सवेल बॉलिंग का भी ऑप्शन है, बैटिंग अच्छी करता ही है, मिशेल मार्श भी बॉलिंग का ऑप्शन है, बैटिंग भी करेगा, वार्नर भी गजब है, और यहाँ पे आप फिंच को रख सकते हो, अगर फिंच को रखना है तो मैक्सवेल की जगह रख सकते हो, फिंच भी मेरे हिसाब से इस वाले मैच के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे हसरंगा को रखा है, तिशखाना को रखा है, हेजलवुड को रखा है, जंपा को रखा है, यहाँ पे जंपा की जगह आप स्टार को रख सकते हो, बट मैंने क्या है थोड़े वो प्लेयर्स को पकड़े हैं जो फॉर्म जिनके अभी रिसेंटली अच्छी है, अगर पिच के बेस पे जाओगे तो फिर मैंने आपको पूरा अभी वीडियो में समझाया उसके अकॉर्डिंग आप टीम बना सकते हो। इस वाली टीम में मुझे कुछ भी चेंज होगा वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, @SESOfficial आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लेना या डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे लिंक है वहां से ज्वाइन कर लेना, पर जरूर से आ जाना ठीक है। अब आपको ग्रैंड लीग की डिफरेंशियल टीम दिखाता हूँ। देखिए ग्रैंड लीग तो आपको पता ही है मैं माई 11 सर्किल पे ही खेलूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे पहले नंबर का लिंक है, डाउनलोड कर लेना, ₹1500 का फ्री बोनस मिलेगा, और यहाँ पे है ना आप चाहे जितने बैट्समैन चाहे जितने बॉलर ऑलराउंडर लेकर टीम बना सकते हो, एक जबरदस्त फीचर है और इजीली विन करोगे, रैंक 1 पे आ गए तो महिंद्रा थार मिलने वाली है। इस वाली टीम में मैंने है ना बहुत डिफरेंशियल प्लेयर पकड़े, चरित असलांका को पकड़ा है क्योंकि क्वालिफाइंग मैचेस से फॉर्म में आ चुका है, असलांका डिफरेंशियल है ग्रैंड लीग के लिए। दूसरा फिंच को रखा है, इस वाले सामने वाली टीम के अगेंस्ट अच्छा कर सकता है, तो फिंच, असलांका। यहाँ पे रखा है करुणा रत्ने को, यहाँ पे रखा है पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, कुमारा, तो पूरी की पूरी ग्रैंड लीग की डिफरेंशियल टीम है जिसमें सारे प्लेयर डिफरेंशियल है। यहाँ पे असलांका है, करुणा रत्ने है, कमिंस है, कुमारा है, स्टार्क है, तो ये वाली टीम आप माई 11 सर्किल पे यूटिलाइज कर सकते हो, ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया टीम है। महिंद्रा थार एसयूवी कार मिलेगी गाइस, मिस मत करना, आप लोगों को मैं फिर से खेल रहा हूँ कहता हूँ, अगर आप माई 11 सर्किल पे खेलोगे तो इसको जीतने का आपको मौका मिलने वाला है, और साथ में यहाँ पे जब फर्स्ट डिपॉजिट कराने जाओ ना तब कोड गाइस आप जरूर यूज कर लेना, एक कोड आपके बेनिफिट के लिए EXP2022, ये कोड डालने से क्या होगा आपको जो जितना भी आप डिपॉजिट करोगे ना उसमें 20% एड ऑन होके आएगा जो कि कैश होगा जो आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ पे, तो एक जबरदस्त फीचर है, आप इसका जरूर से फायदा उठा लेना। कप्तान वाइस कप्तान के लिए गाइज आज के मैच की अगर मैं चॉइस की बात करूं
तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए देखिए डेविड वार्नर मेरे हिसाब से पहली चॉइस है। इस वाले पिच के अकॉर्डिंग, इस वेन्यू के अकॉर्डिंग, हेड टू हेड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वार्नर बहुत अच्छा कर सकता है। दूसरी चॉइस कुशल मैंडिस है, तीसरी चॉइस हसरंगा है, और वाइस कैप्टनसी में फिंच और तिशखाना है। बाकी इसमें से एक कप्तान और वाइस कप्तान कौन रहेगा आज के मैच के लिए, वो मैं गाइस टेलीग्राम पे बताऊंगा आफ्टर टॉस। उसको ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, @SESOfficial, बस ये सर्च आपको टेलीग्राम पे कर लेना है, @SESOfficial, ज्वाइन हो जाओगे, हर मैच का फ्री अपडेट मिलेगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो गाइज फुल इन्फॉर्मेटिव था, एजुकेशन पर्पज से था। आप लोगों ने इस वीडियो को इतना टाइम दिया, प्यार दिया, उसके लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस से सभी भाइयों को हैप्पी दिवाली, और आप उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और ऐसे ही एंजॉय करते रहना, ठीक है। और काफी बड़ा फेस्टिवल होता है तो इसको मनाएं, ठीक है। और गाइज मैंने आपको बताया इस एप्लीकेशन पे खेलो, वहां खेलो, यहाँ खेलो, देखिए खेलना नहीं खेलना वो आपका डिसीजन है, मैं कहीं से भी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम आपको ऑफर्स बताना है, वो मैंने बता दिया। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो पे लाइक कर जाना, और ऐसे ही वीडियो को वॉच करते रहना, ठीक है भाइयों, नमस्कार।